आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर स्टेप लेकर आई हूँ। हर महिला को ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये स्टेप कर लिया, आपकी कमर भी पतली हो जाएगी, आपकी लेग्स भी पतली हो जाएगी। तो चलिए आज हम स्टेप बताते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है, ढोल पे किए जाने वाले डांस के स्टेप। मेरे चैनल पे आप जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब के बटन को पहले प्रेस कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहले पहुंचे। अगर आपने सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करा तो सारी वीडियो आपको पहले ही पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ढोल पे करते हैं स्टेप्स। नहीं, देखो घर पे तो ढोल बाजा नहीं बचेगा, तो हम ढोल का गाना लगाएंगे तो उस पे स्टेप बनाएंगे। शर्माइए मत, खुल के डांस करना। बस आपको जो स्टेप बताऊंगी फॉलो जरूर करना। सिर्फ दो स्टेप ऐसे हैं जो लाजवाब हो गए, आप बारात में करो, कोई पंजाबी सॉन्ग पे करो, ढोल बाजे पे जरूर करना। अभी मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में बताती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। राइट और लेफ्ट का तो आपको पता चल ही चुका है। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप, तो फॉलो करना ध्यान से। देखो अगर आपने लहंगा, गाउन, स्कर्ट, कोई भी ड्रेस पहना, किसी भी ड्रेस में आप डांस कर सकते हो। बस आपको अच्छे से पहले अपनी ड्रेस को टाइट कर लेना, जब भी ढोल बजे दिखाए फिर अपनी एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम सीधे खड़े हैं, दोनों पैर हमने क्या करे हैं, साथ में जोड़ना नहीं प्रॉपर, दोनों पैरों को हमने थोड़ा सा खोल लेना, ठीक है। खोलना और अपने पंजों की हेल्प से अपने खड़े करने एड़ियों को, ठीक है, ऐसे करना है। खड़े हो जाना आपने, एड़ी दोनों अपनी ऊपर से उठनी चाहिए, ये देखो कैसे, ऐसे आपकी दोनों, आपके पीछे से दोनों एड़ी उठनी चाहिए। साइड में बताती हूँ, देखो ऐसे एक, ठीक है। अब हम हाथों के स्टेप कैसे करेंगे, लहंगा को चलो छोड़ दो, अब हम क्या करेंगे, हाथ सीधे रखेंगे, उल्टे नहीं सीधे, हाथ नीचे की तरफ झटका देंगे राइट साइड, बॉडी को नीचे की तरफ उठना है, ऐसे झटका देना, ओके। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 अभी मेरे दोनों पैर जमीन पे ही टच है। जब मैं स्टेप रेडी करूंगी तो आपने दोनों पैरों की एड़ियों को खड़ा कर लेना है। देखो दोनों एड़ियों को खड़ा करके आपने कमर को झटका देना है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये लास्ट एंड में आपको म्यूजिक में करके बताऊंगी, ओके। अब देखो साइड में देख लो कैसे करना है, पहले अपने दोनों पैरों को खड़े कर लेना है। अब देखो आपने दोनों पैरों को ऐसे खड़े कर लेना है, ठीक है, फिर लहंगे को हमने छोड़ देना है। अब हमने ऐसे झुककर स्टेप बनाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। देखो इस स्टेप को अपने 50 पर करना है, आपकी कमर बहुत जल्दी ही पतली होगी। खास करके महिलाएं ये स्टेप जरूर करें। बहुत सारी महिलाएं घर के काम खुद नहीं करती, मेड लगा रखी है, ज्यादातर बेड पे ही बैठी रहती है, तो उनका बैक और जो हमारा पेट है वो भर जाता है। तो इसको अपने कम कैसे करना है, ये स्टेप कीजिए, बहुत सुंदर लगता है, जल्दी ही आपकी कमर पतली हो जाएगी। देखो करके जरूर देखना, 50 नहीं कर सकते, 30 टाइम कीजिए, 20 टाइम कीजिए, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, ओके। तो चलिए दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप तो बहुत ही सुंदर है, बस अपनी जगह पे खड़े खड़े ही अपने स्टेप कैसे बनाना है। देखो लेफ्ट लेग आगे की तरफ करनी है, ऐसे बैलेंस बनाना आपको, ओके। ये देखो ऐसे दोनों हाथ रखे, ऐसे काउंटिंग कर लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने 15 सेकेंड 30 सेकेंड इस स्टेप को रोक कर रखना है। तो देखा आपका बैलेंस भी बनेगा और आपकी लेग्स जो होगी ना ये पतली भी हो जाएगी और बाजू भी पतली होगी। वो कैसे, हाथ को दोनों ऊपर करेंगे और बाजू को नीचे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। आप पैर को ऐसे करेंगे, स्टेप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब ढोल बजता है ना अपने भी एनर्जी आ जाती है, तो ये बैलेंस कभी नहीं बिगड़ता, ठीक है।
अभी आपको लगता है कि मुश्किल है, जब आप खुद करेंगे ना शीशे के सामने खड़े होके ये स्टेप करना, एक मिनट नहीं रोक सकते, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड रोक के देखिए। ऐसे आपने राइट वाला पैर जमीन पे ही टच रखना है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो ये स्टेप ना वैसे घूमकर भी होता है, लेकिन मैं आपको इजी स्टेप इसलिए बता रही हूँ, जिनकी एज 40 से ऊपर है तो आप ये स्टेप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ढोल में बजते हैं, जब भी ढोल बजे बस आप ये दोनों स्टेप रेडी कर लीजिए। भंगड़े के स्टेप आप हर एक को जान लेते हैं, लेकिन ये स्टेप बहुत ही सुंदर है, ट्रेंडिंग पे ये स्टेप है। आप हर एक के वीडियो देखो, लेकिन ऐसे स्टेप आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो को आप सेव करो, शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी वीडियोस दे रखी हैं, आप वहां पे आके चेकआउट कर सकते हो। और स्क्रीन पे लास्ट एंड में स्क्रीन पे जो भी मेरी वीडियो आती है उसको भी क्लिक करके देखिए जरूर। और चलिए अब मैं म्यूजिक पे करती हूँ, देखिए कैसा लगता है। मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और आपको क्लास दिया जाएगा। ओके गाइस, चाहे आप हरियाणवी डांस सीखना चाहते हो, चाहे पंजाबी डांस सीखना चाहते हो, चाहे गिद्दा, चाहे हिंदी गाने पर, शादी ब्याह तो हमेशा आते रहते हैं, उसके ऊपर भी आपको नए नए स्टेप जरूर सिखाऊंगी। थैंक यू गाइस, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे हर रोज रील्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, और जरूर देखते जाइए, सीखते जाइए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बाय बाय।